दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक रस रसायन औषधि वात चिंतामणि रस व्रत गोल्ड के बारे में, या इसको कुछ कंपनियां व्रत वात चिंतामणि रस के नाम से भी बनाती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है जो कि स्वर्ण भस्म से युक्त होती है और ये आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई है, यानी सभी कंपनियाँ इसको तैयार करती हैं। ये वात रोगों को ख़त्म करने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है और ये महंगी भी होती है काफ़ी, तो हृदय रोगों में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, जोड़ों में दर्द का रहना, इसके अलावा पक्षाघात यानी लकवा जैसी कंडीशन या दिमागी परेशानी, अनियमित हृदय की गति, इस तरह की कंडीशन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वात चिंतामणि रस व्रत रस के बारे में। तो ये वात रोगों की बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव दवाई इसको माना जाता है आयुर्वेद में। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में। इसके अंदर अभ्रक भस्म, रौप्य भस्म का इस्तेमाल किया गया है, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, प्रवाल भस्म और मुक्ता भस्म, रस सिंदूर और इसके अलावा घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर इसको बनाया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी इसको सभी कंपनियां बनाती हैं, जितनी भी आयुर्वेद की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां, सभी का आपको मार्केट के अंदर ये मिल जाता है, जैसे दूध पापेश्वर, झंडू, इसके अलावा डाबर का मिल जाता है, बैद्यनाथ इसको बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियों का आपको देखने को मिल जाता है। अब रेट की अगर बात कर लेता हूँ तो सभी कंपनियों का रेट अलग अलग होता है। तो मैं सबसे पहले डाबर की बात कर लेता हूँ, तो डाबर का जो मिलता है 10 टेबलेट का पैक 1540 रुपये में मिलता है। आप समझ सकते हैं कितनी महंगी ये दवाई है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। बैद्यनाथ की अगर बात करता हूँ तो 25 टेबलेट करीब 3400 रुपये के आसपास मिलती है, 10 टेबलेट का पैक ही मिलता है। यह आपको ज़्यादातर 10 टेबलेट में, 20 टेबलेट में या 25 में या 30 में मिल जाता है। चलिए फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो ये जो टेबलेट होती है ख़ास तौर से जो है वात रोगों के लिए एक बहुत ही बेजोड़ रस रसायन औषधि होती है। ये सभी प्रकार के जो वात रोग होते हैं उनको ठीक करने का काम करती है, जैसे एकांगवात, अर्धांगवात, धनुर्वात, बहुत सारे इस तरह की, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वात रोग जो होते हैं 80 से ज़्यादा प्रकार के वात रोग होते हैं जिनको सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गठिया को दूर करती है, गठिया का दर्द है, अर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सूजन, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द का होना, इसके अलावा जितने भी प्रकार की परेशानियां होती सब में इसके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इसका एक अगला जो काम है वह दोस्तों पक्षाघात यानी पैरालिसिस जैसी कंडीशन में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। और एकांगवात, कोई एक अंग में लकवा हो गया शरीर के किसी एक अंग में, हाथ में, पैर में, या किसी एक जो है जगह पर जो है लकवा की कंडीशन होगी तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे का लकवा हो गया, चेहरा जो है, मुँह जो है तिरछा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हृदय की दुर्बलता को दूर करने का काम करती है, अनियमित हृदय की जो गति होती है तो उसको ठीक करने का काम करती है, घुटनों का दर्द, इसके अलावा माइग्रेन जैसी कंडीशन में भी जो है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दिमागी कमजोरी को भी ठीक करने का काम करती है। ये मस्तिष्क को ताकत देती है, श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को इसके मिल जाएंगे। कुछ रोगियों में नींद न आने की समस्या है, हिस्टीरिया जैसी कंडीशन है, या दौरे पड़ना, इस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी इफेक्टिव काम करेगी। सन्निपात ज्वर जो होता है, ये एक तरह का बुखार होता है, उसमें काम आती है। हाथ पाँव का कांपना या कमजोरी है तो उसमें भी काम करेगी। इसके अलावा शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, उस कंडीशन में भी ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों नसों को ताकत देती है, दिमागी तनाव, कमजोरी, स्ट्रेस को कम करने का काम करती है, डिप्रेशन को नहीं होने देती है, डिप्रेशन जैसी कंडीशन में भी इसे लिया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। और ये नसों को आराम देकर मानसिक जो विकार होते हैं तो उसको ठीक करने का काम करती है। उसमें मानसिक विकारों में एक तो कुछ मरीजों में तो दौरे पड़ने की समस्या, नींद न आने की समस्या, या बहुत ज़्यादा चिंता तनाव जैसी कंडीशन रहती है तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुँचाती है। मानसिक विकारों में सभी में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो वात रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्वर्ण युक्त होती तो थोड़ी सी महंगी तो होती है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, तो कितना इसको लेना चाहिए। तो नॉर्मल जो इसकी एडल्ट में जो डोज होती है वो 1 से 2 गोली इसको जो है दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। इसे बगैर अपने डॉक्टर या किसी वैद्यकीम की सलाह के नहीं लेना चाहिए। और ये शहद के साथ में, मक्खन के साथ में, मलाई के साथ में, या 10 मूल अरिष्ट के साथ, कुआड़े के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन अरिष्ट का, अगर हृदय से संबंधित परेशानियाँ मान लीजिए आपको, तो अर्जुन अरिष्ट के साथ में ले सकते हैं। और अगर वात रोग हैं या जोड़ों के दर्द की समस्या है, इस तरह की कंडीशन है, तो आप इसे जो है महारासनादि काढ़ा के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है जिसके कारण कई सारी परेशानियाँ, तो बलारिष्ट के साथ में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई जैसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी रेट मैंने आपको इसका बता दिया है, थोड़ी सी महंगी दवाई होती है।
तो ये काफ़ी इफेक्टिव दवाई है और आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई भी है, तो सभी कंपनियां भी ज़्यादातर जो अच्छी कंपनियां वो इसको तैयार करती हैं। अब इसको ख़रीदना कहाँ से होता है? देखिए, आप किसी भी आयुर्वेदिक जो है शॉप से इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये था मेरे दोस्तों हमारा व्रत वात चिंतामणि रस, या कहें तो वात चिंतामणि रस व्रत गोल्ड के बारे में। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।